देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 105, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। सबसे पहले बच्चों, Br2 के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर OH और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यहाँ तक तो आपको पता ही है। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट में HBr सेपरेट किया है, फिर P है, तो इस तरह का एक रिएक्शन पहले भी आया था। मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और इस कार्बन पर दो दो लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है बच्चों Br, तो इसलिए यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा लोन पेयर, और इधर शिफ्ट होने से यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और Br रिमूव हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बच्चों ये OH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके बाद ये Br, साथ ही साथ ये Br-, ये Br- यहाँ से H+ को रिमूव कर लेगा। जैसे H+ रिमूव होगा यहाँ से तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Br मिल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब उसके बाद बच्चों, ये हमारा पी प्रोडक्ट। अब ये जो मिथेनॉल है, ये जो मिथेनॉल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ अटैक करे भाई, तो देखिए अटैक यहाँ पर भी कर सकता है, कार्बन ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और तो और ये क्लोरीन भी तो माइनस आई लगा रहा होगा जिसके कारण भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन, तो इसलिए अटैक यहीं पर करेगा। तो अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों, अटैक करेगा तो सबसे पहले ये बॉन्ड खुलेगा ओ माइनस के रूप में, फिर दोबारा अटैक होगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। कुल मिलाकर SnAe मैकेनिज्म लगेगा और फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ से Cl तो रिमूव हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे था वो बन गया, ऑक्सीजन ने अटैक किया था तो OMe यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर सर H+ भी तो होगा, तो ये H+ यहाँ से रिमूव कर देंगे जो Cl माइनस लेकर के जाएगा, तो फाइनली जैसे H+ आप यहाँ से रिमूव करोगे तो आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या दिखेगा, प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखेगा यहाँ पर, चलिए ऑप्शन पहचानते हैं कौन सा होगा, ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसने ब्रोमीन को इस वाले ब्रोमीन पर अटैक किया है बच्चों, है ना, इस वाले ब्रोमीन पर अटैक किया जो कि गलत है। इस वाले में ये देखिए सी है, सही है ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए Br को ही गायब कर दिया, यहाँ पर भी गायब कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, इसमें बच्चों अल्कोहल दिया हुआ है और H+ के साथ हीट है, तो सीधी सी बात है इवन एलिमिनेशन होगा। ये अल्फा है बच्चों, ये बीटा है, आपको पता है इवन में अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो अल्फा से OH हटा दीजिए, बीटा से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ से H2O रिमूव कर दीजिए, तो फाइनली आपको एल्कीन मिल जाएगा सीधा सीधा, है ना। वैसे तरीका गलत है, जो मैंने तरीका अपनाया वो गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ, बट प्रोडक्ट सही बना है मैंने। तरीका गलत इसलिए कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद OH2+ बनेगा, फिर यहाँ से H2O हटेगा, H2O हटने के बाद बच्चों चूंकि इवन है तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ पहुँचेगा, फिर इसको अल्फा और इसको बीटा और इसको बीटा मान करके दो प्रोडक्ट बनाएंगे, तब जो प्रोडक्ट बनेगा मोस्ट स्टेबल वाला वो ये है ना। इसको हमने डायरेक्ट बनाया था तो प्रोडक्ट सेम आ रहा था बट तरीका गलत था, ये तरीका सही है अगर इवन मैकेनिज्म लग रहा है तो, और E2 लग रहा है तो डायरेक्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। चलिए तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारा ए प्रोडक्ट हमारे सामने है आ गया। फिर उसके बाद बच्चों कोल्ड केवनोफोर क्या करता है, तो कोल्ड केवनोफोर विसिनल डाइओल बनाता है, बोले तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो बच्चों एक OH यहाँ जोड़ देंगे, एक OH यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब उसके बाद CrO3 क्या है बच्चों, क्रोमिक एसिड, ये क्या है अपने आप में,
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, 1 डिग्री वाले को एसिड में, हालांकि इसके साथ क्या कंपोनेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, और अगर इसके साथ जैसे पिरिडीन है ना बच्चों, पिरिडीन है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये फिर माइल्ड बेस बन जाता है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। खैर, तो कुल मिलाकर बात है कि कैसा भी बने 3 डिग्री वाले का तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, 3 डिग्री वाले का तो ऑक्सीडेशन होना नहीं है, तो जैसे वैसे ही रहेगा। 2 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज चाहे माइल्ड वाला करे चाहे स्ट्रॉन्ग करे, बनना तो कीटोन ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीच वाले को बना दीजिए कीटोन, और ये 3 डिग्री वाला जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, और आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 107, फर्स्ट क्यों नहीं होगा, दोनों में कीटोन बना दिया, यहाँ गलत है बच्चों, यहाँ पर भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 107 में सीधा सीधा सीधी सीधी बात है बच्चों, यहाँ पर पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस कर दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगा दीजिए। जैसे ही आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगाएंगे तो क्या होगा, सोचिए आप, मार्कोनी रूल से क्या होगा बच्चों, मार्कोनी रूल से यहाँ पर कैटायन बनेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल डी जुड़ गया ना। फिर उसके बाद बच्चों ये Cl- माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बन करके इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही Cl- माइनस न्यूक्लियोफाइल बन करके इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है इसमें बच्चों यहाँ पर Cl जोड़ देंगे। अब ये इस तरह से जो खतरनाक तरीके से जो ऑप्शन बनाया है ये आपको डराने के लिए बनाया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आपको लग रहा होगा सिन एंटी, नहीं यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, गलत। इसमें देखिए हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम है, मतलब ड्यूटेरियम तो जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोजन तो है ही ना, तो एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है सही है, और इस वाले पर CH3 और क्लोरीन है तो ये सही है। इस वाले में गलती क्या है, हाइड्रोजन वाले में क्लोरीन जोड़ दिया और CH3 वाले में ड्यूटेरियम जोड़ दिया, गलत, एंटी मार्कोनी रूल लगा दिया, यहाँ पर भी एंटी मार्कोनी है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा।